हेलो टेक लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपटेक में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की टॉप 10 टेक न्यूज। चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, पहली जो न्यूज़ है वो व्हाट्सएप के एक नई फीचर की है। व्हाट्सएप अपने एक नए फीचर पे काम कर रहा है और उसकी बीटा टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। इस फीचर की मदद से आप सिर्फ स्कैन करके किसी को भी अपनी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं बिना अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड किए। दोस्तों, आप अपने QR कोड को बदल भी सकते हैं जिससे कोई आपके QR कोड को आगे फॉरवर्ड ना कर सके। ये फीचर दोनों ही iOS एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स में अवेलेबल होगा। दोस्तों, अगली जो खबर है वो है जूम राइवल इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 10 इंडियन टेक कंपनीज को सेलेक्ट किया है। उनमें से कुछ हैं HCL टेक, जोहो कॉर्प, एरिया टेलीकॉम, डेटा इंजीनियर्स। ये सॉफ्टवेयर जूम जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स को टक्कर देगा और गवर्नमेंट ने फर्स्ट राउंड के लिए इन कंपनीज को 5 लाख रुपये का ग्रांट भी प्रोवाइड किया है। फर्स्ट राउंड में इन कंपनीज को प्रोटोटाइप बनाकर गवर्नमेंट को देना होगा, जिसके बेसिस में 3 कंपनीज को सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इन 3 कंपनीज को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला जाएगा। साथ ही में इन कंपनीज को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट 20-20 लाख रुपए भी देगी। तो जल्दी आप देख सकते हैं जूम राइवल इन इंडिया। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है जियो मार्ट से। दोस्तों, रिलायंस जियो की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जियो मार्ट अब 200 सिटीज़ में खुल चुकी है, जैसे कि देहरादून, कोयम्बटूर, भटिंडा और सारी मेट्रो सिटीज़ में भी। इस वेबसाइट से आप फ्रेश फूड, दालें, पैकेज फूड खरीद सकते हैं, क्लीनिंग का सामान आदि खरीद सकते हैं। जियो मार्ट बिग बास्केट, ग्रोफर्स, अमेजन फ्रेश को कड़ी टक्कर देगा। देखना होगा कि लोग इसका रिस्पॉन्स कैसा देते हैं। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है जेल ब्रेक हैकिंग टूल के बारे में। दोस्तों, हैकर्स की एक टीम ने जेल ब्रेक नाम का टूल बनाया है जिससे कोई भी आईफोन जो कि iOS 11 या उससे ऊपर वाले iOS डिवाइसेस को अनलॉक कर सकता है। हालांकि हैकर्स के द्वारा इस न्यूज़ को अभी तक पब्लिकली पब्लिश नहीं किया गया है, पर इससे भी ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि इन हैकर्स को iOS 14 के प्री रिलीज वर्जन का भी एक्सेस है। दोस्तों, अगली जो खबर है वो है UPI फ्रॉड के बारे में। हाल ही में एक IAS ऑफिसर को एक ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा ₹75,000 ठग लिया गए हैं। ये ऑफिसर अपना फर्नीचर बेचने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ कर रहे थे। जो शख्स ये फर्नीचर खरीद रहा था उसने कैश ना होने का बहाना बनाया और इसलिए UPI से पे करने को कहा। जब उस शख्स ने उन्हें UPI पेमेंट लिंक भेजा तो वो लिंक रिक्वेस्ट मनी का लिंक था, जिससे कि IAS ऑफिसर के बैंक से पैसे डिडक्ट हो गए। दोस्तों, अगली जो खबर है वो है नेटफ्लिक्स से। नेटफ्लिक्स वो सारे अकाउंट्स कैंसिल कर देगा जो पिछले 1 साल से इनएक्टिव हैं। इसलिए नेटफ्लिक्स सब यूज़र्स को एक मेल और नोटिफिकेशन भेजेगा जिन्होंने पिछले 1 साल से अपने अकाउंट को यूज़ नहीं किया है, चाहे उस यूज़र ने सब्सक्रिप्शन ही क्यों ना ले रखा हो। अगर आप उस मेल पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट भी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, अगली जो खबर है वो है अल्कोहल डिलीवरी के बारे में। स्विगी और जोमेटो ने अब अल्कोहल की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। अब ये सिर्फ रांची, झारखंड में अवेलेबल है, पर आने वाले दिनों में ये सर्विस आपको बाकी बड़ी सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में भी अवेलेबल होगी। दोस्तों, अगली जो खबर है वो है अमेज़ॉन फूड डिलीवरी के बारे में। अमेज़ॉन भी अब फूड डिलीवरी के मैदान में कूद चुका है। फिलहाल ये सर्विस सिर्फ बेंगलोर के कुछ जगहों में अवेलेबल है, पर आने वाले दिनों में ये बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी एक्सटेंड की जाएगी। दोस्तों, अमेज़ॉन अब स्विगी और जोमेटो को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है क्रोम के नए अपडेट के बारे में। क्रोम के नए अपडेट क्रोम 83 में अब आपको नए सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि अब आप उन वेबसाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो कुकीज़ यूज़ करती हैं और जो आपके कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपको एक सेफ्टी चेक का फीचर भी मिलेगा, जिसे अगर आप रन करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके कोई स्टोर्ड पासवर्ड्स का मिसयूज़ हुआ है कि नहीं। दोस्तों, अगली जो खबर है वो है फेसबुक के नए लॉक योर प्रोफाइल फीचर के बारे में। इस फीचर से आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं और साथ में आप स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन और फोटोज़ को लिमिट भी कर सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करने के बाद कोई भी जो आपका फ्रेंड नहीं है वो आपकी प्रोफाइल या कवर फ़ोटो को शेयर, डाउनलोड या जूम नहीं कर सकता है। साथ ही में वो आपकी फ़ोटोज़ नहीं देख सकता है और आपकी टाइमलाइन में पोस्ट भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।